दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज दामाद, जहाँ पर आदित्य का लगाया इल्ज़ाम उसी पर भारी पड़ने वाला है। आर्यन और इमली पर उसने इल्ज़ाम तो लगा दिया है, लेकिन अब आर्यन उसी को सबक सिखाते नजर आएगा। दरअसल देखने को मिलता है कि आदित्य इमली और आर्यन के रिश्ते पर सवाल उठा देता है और यही बात आर्यन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसके बाद आदित्य उसकी जॉब भी छोड़ देता है। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि इमली यहाँ पर बुरी तरह से टूट जाती है, लेकिन आर्यन यहाँ पर जब इमली को वापस घर लेकर आता है तो आर्यन की मॉम ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया होता है कि वो आर्यन और इमली का रिश्ता फिक्स कर देगी और उसे पता भी नहीं है कि इमली शादीशुदा है। इसके बाद देखने को मिलेगा कि यहाँ पर उसकी मॉम ने तो उसमें बहू देखना शुरू कर दिया है और आर्यन को यही बात वो कहते नजर आएगी इस बात से अनजान कि इमली का तलाक होने जा रहा है। और वो साफ कहते आर्यन से पूछती है कि क्यों नहीं तुम इमली का हाथ हमेशा के लिए थाम लेते हो। यही बात आर्यन को शायद चुप भी जाएगी। तो देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर आर्यन को भी कहीं ना कहीं इस बात से नाराजगी होगी आदित्य से कि उसने इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया है। इमली भी हर वक्त रोते नजर आती हैं, जिसके बाद आर्यन कहता है कि क्या तुम्हें किसी पति की ज़रूरत और साथ की ज़रूरत है, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी बिना सहारे के आगे बढ़ सकती हो या नहीं बढ़ सकती। जिसके बाद इमली ठान लेती है कि वो बिना सहारे ही अपनी हिम्मत के दम पर और अपनी कामयाबी के दम पर ही आगे बढ़ेगी। तो दूसरी तरफ यहाँ पर नर्मदा यानी कि आर्यन की मॉम रिश्ते की बात चलाने वाली है, लेकिन आर्यन इसके लिए कुछ दिनों के लिए होल्ड कर देगा और इमली को अलग तरीके से सपोर्ट करते नजर आएगा। यानी कि शादी अभी आर्यन और इमली की नहीं होने वाली, इनकी दोस्ती की शुरुआत होगी और दोस्त बनकर ही इमली का वो सपोर्ट करते नजर आएगा, लेकिन इतनी आसानी से इनकी दोस्ती भी नहीं होने वाली है। फिलहाल काफी कुछ ड्रामा हमें शो में देखने को मिलेगा और नर्मदा ये बात जरूर आर्यन और इमली के कानों में डाल देती है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, जो कि इस बात का हमें असर भी देखने को मिलेगा। और कई मोमेंट्स पर इन दोनों के रोमांटिक ट्रैक भी देखने को मिलेंगे, जहां पर आर्यन के दिल में कहीं ना कहीं इमली ने जगह बना भी ली है और जल्द ही दिखेगा इन दोनों के बीच में एक अलग केमिस्ट्री लेवल, जो कि आर्यन और इमली के रिश्ते का असर आदित्य पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ आदित्य अपनी कंपनी शुरू करेगा, यानी कि अब और भी ज़्यादा नेगेटिव किरदार में नज़र आएंगे।